नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो नॉर्थ कोरिया से आई है। यहां पर एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। ये कोई कॉमन मैन नहीं बल्कि अमेरिकन आर्मी का एक सदस्य है। यूएन कमांड ने इस बात की पुष्टि की है कि ये इस अमेरिकन नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। नॉर्थ कोरियन सेना ने अमेरिकी नागरिक को अवैध तरीके से देश में घुसने की वजह से हिरासत में लिया है। इसके अलावा यूएन कमांड इस बात पर चर्चा करेगी नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों से कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आई है वो केन्या से है, जहां पर एक प्रीस्ट की वजह से, एक पादरी की वजह से 400 लोग से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसकी वजह क्या है? जो ये प्रीस्ट है वो ये कहता है कि अगर आप अपने भगवान से, अपने ईश्वर से मिलना चाहते हो, यानी कि अपने गॉड जीसस से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें तब तक उपवास करना होगा, तब तक फास्ट रखना होगा जब तक तुम्हारी मौत ना आ जाए। सोचिए कितनी चौंकाने वाली खबर है। इस सिलसिले में इस प्रीस्ट के साथ साथ 36 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। प्रीस्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल जाने से भी इसने रोका। इसके अलावा पिछले ही महीने इसकी वजह से जेल में जो लोग थे, जो कैदी थे, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक की। उसके बाद भी इस मामले को सुलझाया गया जिसमें कई लोगों की जेल के अंदर ही मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर 54 साल के एक सेलर की जान बचाई गई है। इनका नाम टिमोथी शेडॉक है, जो कि अपने एक पेट के साथ बोट के जरिए निकले थे। ये मेक्सिको सिटी से निकले थे लेकिन इनकी बोट का टेक्निकल इशू के कारण संपर्क टूट गया था, जिसके बाद वो सीधा पैसिफिक ओशन में जा पहुँचे। इनकी जान बचाना बेहद ही मुश्किल हो गया था क्योंकि इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इन पर नज़र पड़ी, जिसके बाद कैप्टन ने इनको बचाया। इनके साथ एक पेट भी था जिसकी जान बचाई गई। इन्होंने बताया कि इनकी ज़िंदगी वो 3 महीने बहुत मुश्किल से निकली थी। बारिश के पानी से इन्होंने पानी पिया, जो मछलियाँ थी उनको कच्चा खाया, जिस वजह से इनकी जान बची। तो ये बहुत शुक्रगुजार हो रहे थे कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन पर नज़र पड़ी और इनकी जान बच गई और कई महीने बाद इन्होंने ज़मीन को देखा, वरना तब से वो समुद्र ही समुद्र आगे पीछे इनके नज़ारा था। अगली बड़ी खबर आई है ताइवान से, जहां पर एक पति को 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई। इसकी वजह ये थी कि उसने अपनी पत्नी का फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया था विदाउट हर परमिशन, जिसकी वजह से उसे गिल्टी पाया गया और उसे 3 महीने की सज़ा काटनी होगी जेल के अंदर। इस पति ने ऐसा क्यों किया? वजह ये थी कि ये पत्नी अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी। दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ जिसके चलते वो अलग रहने लगी और वो अपनी बेटी और अपनी मदर इन लॉ से बात करना चाहता था ताकि उसकी पत्नी घर वापस आ जाए, इसलिए उसने लॉगिन किया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इसके चलते प्राइवेसी डिस्ट्रॉय करने पर अदालत ने इसको दोषी पाया और 3 महीने की इसको सजा दी। अगली बड़ी खबर आई है सिंगापुर से, जहां पर इंडियन ओरिजिन सिंगापुर रैपर को दोषी पाया गया है। उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। 2019 से लेकर 2021 तक उनकी रैप में ऐसे शब्द पाए गए, ऐसी लाइंस पाई गई हैं जिसमें लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिस वजह से उन्हें दोषी पाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबर देखने के लिए देखते रहिए क्राइम तक।